बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। बालो बत्ती आवे माही साकू मारो संगला नार ओ ना बांध के मारे। अच्छा, बांध के रजा के मारे। मुल्तान दा बाज होता है यो गाना ना गा मेरा अबू नाराज होंदे। लेट टू वॉच सिर मारी जवानिया। ये 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, और मैं हूं जान रैम्बो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी टिन करके दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला शो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अपना फीडबैक देते रहिएगा। बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे जी कि आपका दी जान रैम्बो शो नहीं आ रहा, दी जान रैम्बो शो नहीं आ रहा। आखिर वो दिन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से। हमने दो भाइयों को बुलाया है जो बहुत अच्छा गाते हैं, सुरीले हैं, राग रागनियों को जानते हैं। और दूसरी तरफ हमारे आजकल के सोशल मीडिया पर जो एकदम अचानक कहीं से आते हैं और हिट हो जाते हैं, कोई एक ऐसी हरकत करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर टैलेंट होता है वो नज़र आ जाता है, तो उनमें से भी हमने कुछ लोगों को बुलाया है जो आजकल बहुत हिट हैं। तो बड़े मज़े की बातें होंगी जी शो में, हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूँ, ज़रा तालियाँ हो जाएं, ज़रा पता चले कि शो दोबारा शुरू है, ज़रा चुपके। यस, ये बात। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं पक्के खान। किस गाने की? तुम हमें चाहो या ना चाहो ये प्रीत ना होगी कम। तड़रम, ये प्रीत इन्हें टाणा ना बहुत अच्छी की थी अपने नार लाला। मैं अगले फंक्शन चे इन्हें नार लेके जाना। क्या सामते भी पूरे होंगे ने? दाना दे रे ना, दारा दे ना, कोशिश कर रहे हो तुसी साडे वाले पासे आउण। ए अपना ही जी है, वैसे ही लुकया है। असल में मैं रिदम को समझता हूँ। हाँ, तू थोड़ा नचिया मौत के खूह ते। फिल्मों में काम किया मैंने, मौत के खूह पे कब काम किया मैंने? वो एक फिल्म थी ना आपकी, उसमें सेट लगा हुआ था मौत के खूह। मौत, हाँ, ये एक थी। हालांकि तुम्हारा रोल भी नहीं सी, तू फिर उसे जागना चाहे। डांस के टेढ़े शकीन ने भी इन्हें सिर्फ इन्हें कहो रैम्बो भाई की हाल है, को कहने मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ, मैं ठीक ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ। आ आ आ
एक फिल्म दे विच शान साहब नू कहंदे ने विलना दे नाल तू लड़ पै मैं तेरे नाल आ उहने लड़ाई शुरू की थी। अच्छा आप नाल दे पार्क दे विच नरगिस दे नाल गाना करन दे मैनू याद है अच्छी तरह शान मुक्के मार रहा सी मैं ठुमके मार रहा सी हाय हाय मुझे याद आ गया तुम याद है क्या बात है। अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोग आए हैं। नहीं नहीं आपको बिठाऊंगा अभी तो आप शो शुरू करना है। अच्छा माशाल्लाह आप आइए तशरीफ रखें बैठे खान साहब बैठो जी आ जाओ भाई गुलफाम बैठो हाय हाय माशाल्लाह जी जी पजामा कुर्ता भी अच्छा पाया तुसी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। कराचीयों वलीमे खान वास्ते मेहमान आउण ना ये देखो जा एक हुंदा ही अब वो मेहमान आ रहे हैं जिनसे आप चिढ़ते हैं जिनसे आप जिसे कहते हैं खिंचते हैं। आए मेरे मौला उन्हें कूड़ा ताइया नु भी बुलाया नहीं नहीं इसलिए बुलाया ताकि आपके गिले शिकवे दूर हो जाएं ताकि उनको पता चले कि असल फनकार क्या होता है। ये तुसी ते फनकार सोए मुनसब कदों दे बने हो जनाब आप पता लगना चाहिए कि असल फनकार क्या है और अताई क्या है। अताई का जहां और है ताड़ी का जहां और हाय 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 अब आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं सराय की फोक सिंगर सिरे दर्जी नहीं बोलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बोलेंदा हाय दिल दी मर्जी जो मर्जी होगी उदो सीधे का तुसी पैसे दे गए क्या पैसे नहीं होने असा सिंगर आए पूरे मुल्क के छापड़ा मनवा के बैठे आए। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इन्हें जानता है और हर मॉर्निंग शो में ये पहुंचे होते हैं हर जगह ते पहुंचे होंदे ने हालांकि इहो जे बंदे मंडी दे विच बसां दे उत्ते ले चढ़ाउण डए होंदे हर शादी पे ये बुकिंग होती है। हां जी हां जी जानदे ने शादियां ते गाने फौतगी वाले गाउंदे आ हाय असा जेड़े गाइए ताकू क्या असा अपने वसीब दे गाने गाणे ने भाई तोडे गाने ते नहीं से गाने। अच्छा ये एक मिनट मुझे बताएं कि ये सेब के गाने कौन से होते हैं। सही है सेब नहीं वसीब है। अच्छा आप वसीब कह रहे हैं मुझे सेब समझ आ रहा है। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा ढोले दी मर्जी ओ चिट्टे चोले नु फाड़ तारो जिन्ने इथे बंदे ने एनु मारो हाय चोला सीवे दर्जी ऐ तुसी हुण देखो ना ऐ जिवें ऐ कहंदे ने इंज कहना नहीं बनदा इनु इंज भी कह जा ए चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। अच्छा खान साहब चिट्टा चोला चिट्टा चोला अमरो चा मौत आए ठाकू ठाकू भा लगे चिट्टा चोला मंजा मंजा किन्ना गंजा वेखो किन्ना गंजा चिट्टा चोला सीवे दर्जी आप इस तरह गुस्सा ना करें आप हिट हैं इस वक्त बस आप बैठे आप हिट हैं। मैं हिट हूँ भाई गाले तबीयत कुत्ती का लिए बात नहीं कोई नहीं आप तशरीफ रखें मेहरबानी शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ जी चिट्टा चोला टोया खोदा चिट्टा चोला टोया खोदा दिल कर देनू नहर विच डोबा चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला बगैम्बो बगैम्बो अपने जी लगे रैम्बो चिट्टा चोला सीवे दर्जी ताड़ी मार के ना अपना दिल पर चा रहा हालांकि डांस करने नू दिल कर रहे ताड़ी की बडार चिट्टा चोला ला किनारी तेरे गाने सारे आंदी नत मारी चिट्टा चोला लाई किनारी चिट्टा चोला चोला आपने चोले का घेर जरा बड़ा कर दिया है मैं अगले फनकार को बुला लूं है तो जरा चोला क्या बात तेरी आखिरी आवाज हो बेचा। अरे लड़ना नहीं है लड़ना नहीं है शो है यार सारी ना कुछ समझाओ चाचा ने गाने को खराब करेंगे आप मशहूर हैं हिट हैं शुक्रिया चुप करें रैम्बो तू साडा विराह है शुक्रिया।
आपकी भरपूर तारियों में एक और फनकारा तशरीफ लाती हैं जो गाए हुए गानों को दोबारा गाती हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या जिन्होंने पहले गाए थे क्या वो गलत गाए थे जो आप दोबारा गाती हैं। आपकी भरपूर तारियों में तशरीफ लाती हैं आज की नई उभरती हुई फनकारा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी आप मेरे शो में तशरीफ लाई। बच्चों कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल क्या हो रहा है? आजकल बहुत कुछ हो रहा है, सिंगिंग की तरह ज्यादा रुझान है, जो गाना हिट हो जाता है वो मैं गा लेती हूँ। अच्छा, वो जो आप हिट होता है वो आप गाती हैं? गा लेती हूँ। की हल कड्या इस शोखी बची ने, हाय मेरे अल्लाह, जिन्ने सुरे ने पुराने गाने गा के तो हिट हो ही जाते हैं, सुनने वालों के भी कुर्बान जाइए। कहते हैं ना कि जब तक पुरानी हांडी को जब नया तड़का ना लगाया जाए तो वो हांडी किसी के पल्ले नहीं पड़ती। हाय मरो, तड़का नवा ला लेंदे हो, हांडी ही नवी ले आओ। हांडी वाले जी है ही नहीं, ये बर्गर शवारमा बोतलें। हाय मेरे, आपका बहुत शुक्रिया जी तशरीफ रखे। इन्हें की पता हो मटन इंज करके पकया हो जो 900 रुपया हांडी ते लग्या हो, 60 रुपये का शवारमा खा के कहते हैं आपको बता दूं आप दोनों को, क्योंकि आप लोग हैं अचानक हिट होने वाले लोग, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके बाप दादा ने मेहनतें की हैं, राग रागनियां जानते थे, उनकी औलाद हैं, बचपन से आप लोग गाना सीख रहे हैं और अबूर है म्यूजिक पे, हर साज बजा लेते हैं। 15 साल भाई जान मैं घड़े च मुंह देख सिर्फ इन्ना ही कीता। आप जो सिर कटिया तो धौन छोटी हुई हुई सी। अच्छा जी, आपको अचानक आए और अचानक हिट हो गए। सही, देखो मैं एक गाना गाया तो मैं हिट हो गया। अच्छा, उससे पहले आप जब आपने गाना गाया उससे पहले आपकी फैमिली में कोई गाता था या आपको शौक था बचपन से? ना कोई ना, बचपन तो मेरे को शौक है, घर में कोई नहीं था, घर से साडे कोई गाना गा नहीं। अच्छा, कोई इनदा गाण दे नाल कीता लग जनाब, अब्बा जी ये ते पेंचर लाउंदे सी। ओ जी ड्राइवर सी इहदा अब्बा। हां जी, अताउल्ला नु बहुत सुनदा सी। अताउल्ला, लाला अताउल्ला, क्या बात। एक दिन सुनदा सुनदा घर आ गया तो आपने लाला जी की कॉपी करनी शुरू की है? लाला जी बड़े लोग हैं भाई, असा उना दी इज्जत करेंदे, असा उना दे कदमा दी खाक। इतनी बेले होती है? हाँ, अल्लाह की बड़ी रहमत है, मतलब 5-5 हज़ार रुपए की बेल तो घट कह लगी। असा खाली गड्डियां गिनते बहने से भर ते तोड़े असा ले आने। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे को पजारो है, टर्बो है, ईवा है। अच्छा, इन्हों को पजारो तो थले कोई नहीं देता। कल मैंने एक बंद ने थले दिता लोग मर गए, गाने भी बजाने सुनने भी मर गए। हूं तो एक मिनट ठहर जा, मैं तेरी गल च बोलिया, गल पता की है, हूं कोई दौर नहीं। असि एक फंक्शन ते 1.5 घंटा गाया दोहां भरा ने। अच्छा, ए बड़े सुरुची मीठियां आवाजा लाइया, 1.5 घंटे बाद क्या सरकार सानू कुछ लाओ, उन्हें साढ़े पिछे कुत्ते लाते। एक फंक्शन ते भाई ने गाया। अच्छा, इन्हें क्या दुश्मन मरे, लाड़ा मर गया। बालो बत्ती आवे माही साकू मारो संगला नार, वो ना बांध के मारे। अच्छा, बांध के रजा के मारे। नहीं नहीं, ऐसे लोग होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आपके साथ हुआ तो इनके साथ भी होता है। नहीं, साढ़े नाल जरा को बहुत ही होने लग गया। मोहतरमा, आपने सबके गाने गाए हैं, कोई अपना गाना भी गाए ताकि आपको प्रॉपर शोहरत मिले। आप एक गाना सुनाए तो जरा, हम अभी पता कर लेते हैं आप कितने कसूरीले हैं। मैं स्टूडियो के बगैर नहीं गा सकती। हाँ जी, उत्थे मशीनां जी होंदी हैं भाई जी, टी टू करके ते सुर सिद्धे कर देंदे हैं। एक एक लाइन तो इन्होंने कहनी, लाइव तो पूरा गाना गा नहीं सकते। आप कहने सिर्फ इन्ना ही कह के दिखा देने दे रे ना हार ना कह के दिखा। मैं सिराग नहीं छेड़ती, मैं पॉप सिंगर हूँ। पॉप सिंगर, चले पॉप में कुछ सुना दे।
मैं स्टूडियो के बगैर नहीं गा सकती, सॉरी। ना स्टूडियो तोड़ा बिस्तरा लगा होते तो अपना गाना नहीं बनाएंगी फिर आप? नहीं, मेरा इंशाल्लाह फ्यूचर में तो प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह से होता है, देखें ना, अभी आप जब स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर काम करना स्टार्ट करते हैं, शायर से पहले आपको लिखवाना पड़ता है, उसके साथ म्यूजिक कंपोजर को बुलाना पड़ता है, आपको सारा ट्रैक वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा बजट आ जाता है। तो इसलिए जब आप कवर सॉन्ग करते हैं तो आपको सिर्फ अपना ट्रैक गाना पड़ता है और आपका म्यूजिक कंपोजर सारा उसको सेट कर सस्ता हो जाता है। असर रात को 10 बजे पेड़ लाते फदरे 4 बजे पेड़ खत्म थी बंदे। पहले सब तो कुत्तियां की लड़ाई होंगी, उस तो बाद फिर बैलों की लड़ाई होंगी, फिर उसे घोड़ा की नेजाबाजी होंगी है, उस तो बाद फिर उसे 2.5 घंटे खुसरे नचते। अच्छा, कैसा भर के। अच्छा, उसके बाद इनकी बारी आती है, फिर उसे चुड़ेल आ 10 मिनट लिए सारी आवाम मर जाती है। अच्छा ठीक है, फिर उसे हरे की होंगे, फिर डिस्कस करते भी जो मर गए इन्हू उठा कहने, अपनी मावा दियां कमेटियां सुट के चले जाते हैं। माही तू मर वंजे तेरे प्यो दा जनाया निकले, सवाल ते कु मोंडा दे आने वाला कोई ना डिठे, बल मसी तो मन जाना थी वे व्याड़ी तो परौने आवंदे ने, सवाल ते कु खड़ो माया। ओ पहले तेनु मैं कुटांगा फिर कुटी मैनू तू माया, तेरा दुर्फ के मुंह माया। यूट्यूब छड़ के तू अज मिली मैनू ट्यूटर ते, जाने तो मुझे जाना है, खराब करे ओदे प्यो नू सजा होंदे। वादा जो किया है वो निभाना सोने दा किल माया, मैं तेनू छित्तर मारने मैनू सैड ते मिल माया। लगदा कोई किल माया तो जाने तो मुझे जाना है, जो किया है वो निभाना है। सा चढ़ गया हौका नू, जन गया हौका नू, ओ गाने दा बेड़ा गर्क करन वाले ओ लानत तुहाडे शौका नू, जाने तो मुझे जाना है। मिट्टी चढ़ गई तेरा ते सजन मना लेने हाथ रख के पैरों, हालांकि जिन्ने गाना गाउण वाले ने यह लैक ने छितरां दे, पता जो किया है वो निभाना है। फुल पक गए ने किकरां दे सोने मेल करे हुन कदी भी ना बिछड़ांगे, जाने तो अपनी उम्र का ख्याल कर, जाने तो मुझे जाना है, मारा जो किया है वो सावे सर माया, सावे सर माया, इथे की करन दे है बाहर जाके मार माया, जाने तो शीला की जवानी आए हैं। अच्छा, जाने तो मुझे जाना है, बहुत अच्छी बातें कर ली, बहुत ABCD
पढ़ ली बहुत अच्छी बातें कर ली बहुत अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात गंदी बात जाना है गड्डी चढ़ गई है दरख्तां ते हुण की करिए गड्डी चढ़ गई है दरख्तां ते चिट्टे चोले कु लगे तारे इन्हां दे घर बढ़ गया के लोकी सारे जिन सही गाया मरे ओदा नाल है फिर भी तू रोकना ही किसी ने कॉपी राइट ही नहीं है जो मर्जी गा ले जितना आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया ना अभी तक मैं चार ट्रैक्स कर चुकी होती हूँ आप दसो भी अद्धे घंटे चार ट्रैक कर लेंगे चार गाने जो होते हैं ट्रैक्स तैयार ही होते हैं इन्होंने आवाज देनी गाने नाले छोटे छोटे होंगे चार तो हो जाते हैं अद्धे घंटे हाँ सर असल बात जो है आपके फन का हम इनकार नहीं करते लेकिन आजकल इन लोगों का टाइम है इनको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है तुसी इहदे मुंह तो देख के अंदाजा ला लो इहदा अज टाइम है या 80 साल पहले टाइम टाइम के नाल इह हालात ने ते बेटाइम है की होएगा की ए रैंबो साई लूसी लोग इन पे अगर आजकल आपका टाइम नहीं है आपकी तरक्की नहीं हो रही तो आप इनसे जेलस क्यों होते हैं रैंबो भाई सीधी गल है जी इन्हां दे कोल महंगे मोबाइल महंगे कैमरे और जिथे दिल करदा कोई नवी मॉडल देखी उहदे नाल वीडियो बना ली ए जल्दी हिट हो जांदे आ और साडे बुजुर्गां ने इस चीज दा ख्याल ही नहीं सी कीता हां ओ सीधे लोग सी नहीं उस वक्त तो ये चीजें नहीं थी आप तो ये अब ख्याल कर मैं हुण की ढोलकी दे विच वाईफाई लवा लूं मेरे भरा दी गल तो याद आया एक प्रोग्राम ते सी गए मैं बाजा बजाउण डिया ते एक मुंडा मैनूं आके कहंदा बहुत मजा आ रहा है यार क्या बाजा है इसका पासवर्ड बताएं ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग मिल के कुछ काम कर लें इन्हां दे नाल मिल के अपना भी बेड़ा कर लिए जनाब करोड़पति थी वैसे तो सा ऐ सराकी दे नाल ते नहीं अलबत्ता वो मैडम अगर हमें कुछ दिन इनवाइट करें तो हम अच्छा म्यूजिक दे सकते हैं नहीं मैं सिर्फ पॉप सॉन्ग्स कुछ पॉप ट्रैक को फॉलो करती पॉप भुलिया जिन्हें क्लासिकल गाया तो सारा कुछ आता होंदा पॉप तरह वाल बड़े रख के अपने आप पागल जिहा साबित करना पॉप ते आ उनके साथ अगर आप मिल के करने को तैयार हैं तो आपको पॉप तो आना चाहिए ना जी आंदा सुन लो पॉप तो सुनाओ वीरे हाँ जी इस टाइम इज्जत बेइज्जती का सवाल है हुण पॉप बाहर ना ना निकलिया ते इन्हां सानू बाहर कढ़ देणा बहुत पॉप मारेंगे है ये वो चिट्टा चोला सीवे दर्जी
नहीं बोलेंदा डोले दी मर्जी चिट्टे चोले नू लगे सारे तेनू सारा मल्ला फड़के जुटियां मारे चिट्टे चोले नू लाती ना हो रही एक बारी में तेरी टेंड उत्ते जुत्ती मारी चिट्टे चोले नू मैं सांभ रख सा तेरे मरने दी मैं तांग रख सा की कुत्ते सारे देखिए इन्होंने मॉडर्न आपने कहा ये इन्होंने गा के दिखा जी रेम्बो सर मैंने इनके ट्रैक को बहुत एंजॉय किया है आधा ट्रैक मुझे समझ में नहीं आया लेकिन बहुत मजे का लगा वो मैं तुम्हें लेदा बैठ के समझा दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं इनके साथ हम मिलकर काम करते हैं कुछ असली इस तरह करेंगे मिलके काम कर लेंगे या फिर काम करके मिल लेंगे ठीक है मिलकर काम करेंगे लेकिन साथ एक शर्त है बीबी जी वीरे हां सुरीली देखला हैगी कि नहीं हुन ए कह के दिखाना रंजशी सही दिल दुखाने के लिए आ रंजशी सही है क्या सर यही बातें जो आपकी है ना आपको तरक्की नहीं करने देती की मतलब टाइम बदल गया है जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया आप उसे माने और जो जैसा गा सकता है ना आप उससे वैसा गवाएं आप फिर वापस चले जाते हैं कि नहीं हमें यही राग रागनियां चाहिए राग रागनियां जरूरी हैं उन्हीं राग रागनियों के अंदर बैठ के गाना बनता है उसके बाहर नहीं है लेकिन चेंज हो गया है ना आप उनके साथ चलें आपको भी रिस्क मिलेगा आपको भी दोबारा नाम मिलेगा उनका भी काम चलता रहेगा और जिसे अल्लाह ने इज्जत दी है उसको माने हम आपको मानते हैं आपके फन तक कोई नहीं पहुँच सकता ये नहीं रोक जा सकता असि इन्हों मान लवेंगे ये भी तो सानू मन ना पहले वो तो मानते हैं आप जी, मैंने कहा है मैं नेक्स्ट टाइम में काम बस ठीक हो गया बस ठीक हो गया असा रलेगा सु सही रलेगा सु तू से ओ यार तू ना ही गल कर तेरी मेहरबानी मतलब जी 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 वो गाना सही गा सकते हैं असा केड़ा माहौल है पिया उंदे नाल असा रले रहंदे किस तरह ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए है गले हमको लगा कर मिलिए रस्में दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है चले जी मुझे ये खुशी है कि आज आपने इन उभरते हुए फनकारों को ये तो काफी उभर चुके ये तो गुजरते हुए फनकार उभरते हुए फनकारों को आपने मान लिया ये बड़ी बात है और आप भी सीनियर्स की इज्जत और कदर करना सीखें मिलजुल के काम करें ताकि पाकिस्तान का म्यूजिक जो है वो आगे को जाए तरक्की करे मिलजुल कर काम करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं बेशक जी तो मिलेंगे नहीं तो आगे के में बढ़ेंगे तू जरूर मिलना मेरे तू इतनी गलियां गल्ला करनी है प्रोग्राम आज जा पा रहे हैं तो आपके लंगर का बंदोबस्त भी मैंने किया हुआ सुभान अल्लाह फौरन शो के बाद अच्छा जी आपके लिए बिल्कुल खाना लगवा दो यार बहुत मेहरबानी रेम्बो सही बहुत मेहरबानी आप भी हां तो ऐसा ही खासो सा रोजा रखे ये बकवास कर ऐसी भी 35 40 लाख रुपया होता बाहर मांगना नहीं नहीं देखें खाने के लिए तो सब खाना लगवाएं जी बड़ा अच्छा खाना जी शुक्रिया आए अचार गोश्त अच्छा सर मारो ना यार पास निकलो हां अचार मारो ना ब्रेक ले ले लो तंदूर वाली नामे मौला कह दो तंदूर की गरम गरम रोटी खुदा हाफिज़ आए पुदीने की चटनी ओ खुदा हाफिज़ कह दियो खैरा कह दियो खुदा बहुत शुक्रिया खान साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया आप मेरे शो में आए बड़ा मजा आया और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया जी अल्लाह आप सबको बहुत इज्जत दे बहुत तरक्की दे मिलजुल के काम करें इंशाल्लाह अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी जाते जाते एक बात याद रखिएगा जिसने अभी तक जान रेम्बो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने मैसेजेस करते रहें फीडबैक देते रहें इंशाल्लाह उसके भी जवाब देंगे अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ रब रखा